अस्सलाम वालेकुम क्लास टेन। मेरे चैप्टर नंबर 2 है सूरह अहज़ाब का और आयत नंबर 9 से 20 तक है। यूनुस, आपने लास्ट टाइम ये चैप्टर रीड नहीं किया था, आप क्लास में नहीं थे प्रेजेंट, तो आज आप इसकी आयत के हिसाब से एक एक आयत करके रीडिंग करते जाइए और फिर मैं आपसे पूछूंगी और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। ठीक है, अपना माइक अनम्यूट करें और रीडिंग स्टार्ट करें आयत नंबर 9 से। फातिमा, हम पहले ये नाइन से जी 9 से सूरह अहज़ाब, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने? हाँ या जी, पढ़ना शुरू कर। अय्युहल्लज़ीना आमनू उस्कुरू आउज़ु बिल्लाह के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फअरसलना अलैहिम रीहं वजुनूदल्लम तरौहा वकाना अल्लाहु बिमा तअमलूना बसीरा। मोमिनों, खुदा की इस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब फौजें तुम पर हमला करने को आईं, तो हमने इनके इन पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम नहीं देख सकते थे, और जो एक काम तुम करते हो खुदा उनको देख रहा है। इस मिनट जा रुकिए, मुझे ये बताइए, आपको सूर्य अहज़ाब का कुछ पस मंजर याद है जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले? कुछ उसकी बैकग्राउंड पता है आपको? अगर नहीं पता तो भी फ्रेंकली नहीं, बता दें, मुझे नहीं। नहीं पता। फातिमा, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगी और आप सूर्य अहज़ाब का जो पस मंजर है, इसका नाम सूर्य अहज़ाब क्यों है और इसमें अल्लाह ताला ने किन किन बातों का जिक्र किया, आज आप एक्सप्लेन करें। जी फातिमा, माइक अनम्यूट करें बेटा। सूरह अहज़ाब में गज़वे खंदक का जिक्र है। अहज़ाब हिज्ब की जमा है, जो कि बहुत सारे गिरोह हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए, जब काफिरों ने हमला किया था मुसलमानों पर, तो उन्होंने खंदक खोली खोद दी, तो लेकिन फिर भी काफिरों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई और बहुत सारे गिरोह भेजे फरिश्तों के। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे इस सूरत में किस किस क्या क्या चीज ऐसी है जिसका जिक्र फरमाया अल्लाह ताला ने, किन किन बातों का जिक्र किया? मुंह मुंह बोले बेटों के बारे में जिक्र है, और और असल जो मौजू है, यानी बुनियादी मौजू, असल नहीं कहेंगे, जो बुनियादी मौजू है वो क्या है? जी बताइए बेटा, बुनियादी किस चीज का जिक्र है? फातिमा बताइए बेटे, किस गजबे का जिक्र है? चले यूं कह लीजिए, गजबे गजवाए खंदक, खंदक, जिसका दूसरा नाम क्या है? गजबे गजवाए अहज़ाब। आजाद। बुनियादी मौजू गजबे खंदक या गजबे आजाद है। उसके अलावा जो मौजूआत अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं तो वो बताइए, कौन कौन से? मुंह बोले बेटों के बारे में जिक्र, निकाह और तलाक के कवायद व जवाबित, और पर्दे के अहकामात, और और गजवाए खंदक और गजवाए बनू कुरैजा के बारे में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक तबसरा। है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये तो थी थोड़ा सा पस मंजर सूरह अहज़ाब का। ठीक है, अब आगे अल्लाह ताला ने वो हालात और वाकयात बयान फरमाए हैं। हमने जो पिछले लेसन में पढ़ा था कि ऐन जंग के मौके पर क्या हुआ था और क्या हालत थी मुसलमानों की और किस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, असल में हम इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनुस, समझ आ रही है मेरी बात आपको? जी अच्छा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, मोमिनों, खुदा की उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब फौजें तुम पर हमला करने को आईं। तो अल्लाह ने क्या भेजा? हमने उन पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर नाजिल किए। हवा तेज आंधी की सूरत में चली थी, बहुत ठंडी यख हवा और बहुत तेज, बहुत स्पीड से वो आंधी चली थी, जिससे उनके लगे हुए खेमे उखड़ गए और उनका सामान, भारी भारी सामान भी उड़ उड़कर उनके ऊपर ही गिर रहा था। और फरिश्तों के लश्कर अल्लाह ताला ने नाजिल किए थे मुसलमानों की मदद के लिए, और ये जंग मुसलमान बगैर लड़े ही
जीत गए थे, फतह हासिल हो गई थी मुसलमानों को बगैर लड़ाई किए ही, और जितने कबाइल, जितने लश्कर, जितने ग्रोह मिलकर हमला करने को आए थे वो सब हवास बाख्ता होकर वापस पलट कर भाग गए। यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी मदद का जिक्र फरमा रहे, और मुसलमानों की हालत उस वक्त ऐसी थी कि जैसे उनको लग रहा था कि मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी है और वो बस कोई लम्हा ही जाएगा और दुश्मन उन पर गलबा पा लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मुसलमानों की साबित कदमी की वजह से, उस खौफ और अंदेशे के बावजूद मुसलमानों की साबित कदमी की वजह से उनको अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई। ठीक है जी, आगे दानियाल अगली आयत आप पढ़ें बेटा, माइक अनम्यूट करें और अगली आयत पढ़िए। दानियाल बेटे माइक अनम्यूट करें अपना। चलिए यूनुस आप ही पढ़ लें अगली आयत। إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا। जब वो तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए और तुम आंखें फिर गईं और तुम और जब आंखें फिर गईं और दिल मारे दहशत के गलों तक पहुंच गए और तुम खुदा की नस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे। अगले भी हाँ जी अगले भी। हुनालिकब्तुलियल मोमिनूना वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। वहां मोमिन आजमाए गए और सख्त तौर पर हिलाए गए। वइज़ यकूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदनल्लाहु वरसूलुहु इल्ला गुरूरा। और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है कहने लगे कि खुदा और इसके रसूल ने तो हमसे, महज एक मिनट मैं स्क्रीन थोड़ी नीचे करती हूँ, खुदा और उसके रसूल ने तो हमसे महज धोखे का वादा किया। وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فَرَارًا। और जब इनमें से एक जमात कहती थी कि अहले मदीना यहाँ तुम्हारे लिए ठहरने का मकाम नहीं तो लूट चलो, और एक ग्रो इनमें पैगंबर लौट चलो और एक ग्रो इनमें से पैगंबर से इजाजत मांगने और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं हालांकि वो खुले नहीं थे और वो तो सिर्फ भागना चाहते थे। आगे भी बस यहीं तक रुकिए, अभी पहले ये समझ लें क्या है। असल में मुसलमानों के साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको अल्लाह ताला ने मुनाफिक कहा है। मुनाफिक का मतलब ये कि उन्होंने ऊपर से तो कलमा पढ़ लिया था कि और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ हम मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से वो इस्लाम पर मुतमईन नहीं थे। और मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ कोई मौका प्रोपेगेंडे करने का या बातें बनाने का या उनको ये कहने का कि ये इनकी बेवकूफियां हैं और नादानियां हैं कि ये लोग इतने बड़े बड़े लश्करों से जंग करने के लिए निकल आए, वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। यहाँ पर मोमिनों के रवैये को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि मोमिन तो अपने रसूल के साथ साबित कदमी से उस मुश्किल वक्त में खड़े रहे और उनको ये भी पता था कि हम यानी अगर हमारी जान भी कुर्बान हो जाएगी इस काम के लिए तो हम खसारे में नहीं रहेंगे और अल्लाह ताला की हाँ इसका बहुत बड़ा अजर है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था और रसूल का हुक्म था, वो दिलो जान से उस हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार थे। लेकिन जो मुनाफिकीन थे उनको अपनी दुनिया के फायदे, अपना अपना घर, अपना बार, अपना कारोबार, ये सब कुछ उनको बहुत अजीज था और उनको दुनिया के फायदे के लिए चाहे अपना ईमान भी बेचना पड़ता वो बेच देते और झुक जाते थे काफिरों के साथ किसी भी टर्म एंड कंडीशन पर, वो कोई भी मुआहदा करने के लिए तैयार थे लेकिन इस्लाम का और मुसलमानों का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसमें उनकी अपनी जान के जाने का भी खतरा था ना। अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमाया कि हमने मोमिनों से उनके माल और उनकी जान खरीद ली। लेकिन यहाँ पर
जो है क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने इनको मुनाफिकीन के रवैये को बताया कि वो फरार चाहते थे, उनको लग रहा था कि यहाँ सिवाय मौत के और कुछ नहीं है हमारे लिए, और वो अब रसूल से इजाजत लेने के लिए आए और कहने लगे कि हमारे घर खुले हुए हैं और अनसेफ हैं, हम वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल की कैफियत यहाँ बयान कर दी कि वो सिर्फ और सिर्फ फरार चाहते थे, वो रसूल के साथ इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते थे। फिर अल्लाह ने आगे ये फरमाया कि अगर उनके ऊपर, ये तो मदीना के बाहर आकर उनको जंग लड़नी पड़ रही थी ना, तो वो उजर और माजरत पेश कर रहे थे कि हम वापस जाना चाहते हैं, हमारे घर अनसेफ हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज नहीं हैं, हमारे घर वाले महफूज नहीं हैं, आप हमें इजाजत दें कि हम वापस चले जाएं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया अगर वो जंग जो ये शहर से बाहर आके लड़े, इसके बजाय अगर उनके अपने शहर के अंदर उनके घरों पर हमला हो जाता तो क्या तब भी वो नहीं लड़ाई के लिए आते? तब तो उनको ला मुहाला आना ही था उस लड़ाई के लिए। तो ये सिर्फ उनकी उजर है, ये सिर्फ उनकी एक एक्सक्यूजेज हैं और गलत एक्सक्यूजेज हैं जो वो पेश कर रहे हैं। असल में वो कोई कुर्बानी कोई सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते थे इस रास्ते में, इसलिए उन्होंने ये माजरतें पेश की। ठीक है दानियाल, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक तो बेटे करें, मैं आपसे रीडिंग करवाना चाहती हूँ। चलिए फातिमा आप पढ़िए अगली आयत, आप फातिमा पढ़ेंगी भी और इसको एक्सप्लेन भी करेंगी। वलकद कानू आहदुल्लाह से, ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے, اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوتی ہے. پرسش ہوگی. اگلی آیت پڑھیے. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں آیات ایکسپلین کیجیے, کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کیا کیا بات ہو رہی ہے؟ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اقرار کر چکے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے, لیکن انہوں نے نئی بات مانی اور پیٹ پھیر لی, اور جو اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا جاتا ہے اس پہ ضرور ان کو جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے کیوں اپنے قول سے ایمان اپنے قول سے وہ کیوں پھرے. اور اگلی آیت, پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو تمہارے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ کہیں بھی تمہاری موت آ سکتی ہے اور تمہیں بہت کم فائدہ ہوئے گا. یعنی دنیاوی فائدے کے لیے جو تم بھاگے ہو اور موت سے فرار تم نے چاہا ہے, تو موت تو تمہیں معلوم ہی نہیں کہاں پر تمہیں آ جائے, تو یہ موت تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے, اس میں تو اللہ کی رضا مندی بھی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اجر بھی رکھا تھا, تم اس کو چھوڑ کر اگر دنیاوی زندگی کے لیے بھاگے ہو تو جہاں پر تم جاؤ گے موت تو کہیں بھی تم کو آ لے گی. موت تو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے ہر انسان کی, کس وقت کس گھڑی کس لمحے آنی ہے کسی کو معلوم نہیں. تو مرنے یا مارے جانے سے اگر خوفزدہ ہو کر بھاگے ہو تو وہ تمہارا بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا, بلکہ وہ تمہارے لیے خسارے کا سبب ہے, دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی رسوائی ہے. ٹھیک ہے اگلی آیت یونس پڑھے آپ, آیت نمبر 17. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے, یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے, اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار. یہ آیت یونس آپ ایکسپلین کریں کیا مطلب ہے اس بات کا, اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر, یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا,
और अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि उसके ऊपर रहमत आए उसकी, तो कोई उसे भी नहीं हटा सकता कि उसके ऊपर अल्लाह की रहमत ना आए। और ये लोग जो खुदा के सिवा किसी को ना अपना दोस्त पाएंगे और ना, यानी कि अल्लाह के सिवा इनका कोई दोस्त और मददगार नहीं है। और इन्होंने तो दोस्त बनाया किसको था अपना, मुनाफिकीन ने काफिरों काफिरों को को अपना दोस्त समझा था कि ये हमें फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी का कोई ना दोस्त है और ना मददगार है। अगर अल्लाह की मदद आ जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल सकती है, और अगर अल्लाह ताला किसी के साथ बुराई का इरादा करना चाहे, बुराई अल्लाह ताला चाहते नहीं है किसी के साथ करना, लेकिन उसकी भी कई सूरतें हैं। बाज दफा अल्लाह ताला बंदों को आजमाने के लिए कोई मुसीबत भेज देते हैं, बाज दफा इंसान के अपने आमाल की वजह से उस पर कोई मुसीबत आ जाती है। तो दोनों ही सूरतों में मदद सिर्फ अल्लाह ही की होती है। अल्लाह चाहे तो उसको उस मुसीबत से निकाल सकता है, और अल्लाह ना चाहे तो वो उस मुसीबत से नहीं निकल सकता, चाहे सारी दुनिया मिलकर जोर लगा ले। ये बड़ी अकीदे की बात है, और ये बात हम सबको बहैसियत मुसलमान, हमारा ईमान होना चाहिए इस बात पर, और हमें अंडरस्टैंड भी करनी चाहिए ये बात, और अपनी जिंदगी में इसको सबसे अव्वल रखना चाहिए। जो शख्स अल्लाह को अपना दोस्त बना लेता है ना, तो अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है। लेकिन अल्लाह के साथ दोस्ती का हक निभाना जो है वो बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है लेकिन करना, उसमें इंसान को हर काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा। फिर बहुत सी चीजें, जो बहुत सी आरजुएं, बहुत सी ख्वाहिशात, बहुत से ऐसे काम जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है, तो फिर उसको वो छोड़ने पड़ेंगे। अगर वो मुंह जबानी कहता है कि मैंने अपने अल्लाह को दोस्त बनाया हुआ, लेकिन अमली तौर पर दोस्ती का हक नहीं निभाता। मिसाल के तौर पर आप नमाज की मिसाल ले लें, मैं आपके लेवल पर इसलिए बार बार नमाज की मिसाल देती हूँ क्योंकि आपके लिए ये नमाज भी एक जिहाद ही है। अगर हम किसी बहुत ऐसे काम में, पसंदीदा काम में मशगूल हैं जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, और नमाज का वक्त आ जाए, लेकिन आप ये कहते हैं कि मैंने अल्लाह को अपना दोस्त बनाया हुआ है, तो फिर आपको सब कुछ छोड़ के अल्लाह की खातिर खड़ा होना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता उन कामों को भी छोड़ना पड़ेगा जो अल्लाह को नापसंद हैं। जब तक आप वो नहीं छोड़ेंगे, आप दोस्ती के सच्चे दावेदार नहीं हैं। अल्लाह के साथ दोस्ती के सच्चे दावेदार नहीं है जब तक आप उन कामों को नहीं छोड़ेंगे। बात समझ आ रही है मेरी? हाँ जी, यस और नो में आंसर करें, बात समझ आई है कि नहीं? जी बेटे, आप आ लोग गई आ गई। आगे चलिए, अगली आयत भी पढ़ी उन्होंने साहब, आयत नंबर 18, उसका तर्जुमा पढ़ें। قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا। خدا تم میں سے ان لوگوں کو جو کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم क्या मतलब है इस बात का पता नहीं, बताएं? पता नहीं तो क्या मतलब है, हम पढ़ रहे हैं बेटे। यानी कि जो लोगों को भड़काते हैं, यानी जो लोगों से कहते हैं कि ये लड़ाई छोड़ो और हमारे साथ आओ, यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे तुम लोग मर जाओगे, हाँ, वेरी गुड, सही पहुंचे आप। और यहाँ पे हमारे साथ आओ, यहाँ अगर हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें दुनियावी फायदा होगा। हाँ, खुद तो लड़ाई में आते ही नहीं है ना, खुद भी नहीं आते, दूसरों को भी रोकते हैं कि ना जरूरत नहीं है कोई जाने की, इसका कोई फायदा नहीं। ये बात हो रही है, यानी सिर्फ अपनी जात तक उस चीज को महदूद नहीं किया उन्होंने, बल्कि आगे लोगों में भी फैला रहे हैं ये बात कि ये बिल्कुल बेवकूफी है इतने बड़े लश्कर के साथ लड़ाई करना। ना खुद लड़ाई करने के लिए आते हैं, और जो लोग आना भी चाहते हैं और जरा उनका ईमान जरा मुतजलजल होता है, जरा वो डामाडोली कैफियत में होते हैं, बेयकीनी की कैफियत में होते हैं, उनको भी भड़काने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। ये सब मुनाफिकीन की बातें हैं जो अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहे हैं। फातिमा, आयत नंबर 19 पढ़िए बेटा। अशिहतन अलैकुम, أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا।
ये इसलिए कि तुम्हारे बारे में बुहल करते हैं, फिर जब डर का वक्त आए तो तुम इनको देखो, तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें इसी तरह फिर रही हैं जैसे कि मौत, जैसे कि किसी को मौत से गशी आ रही हो। फिर जब खौफ जाता रहे तो तेज जबानों के साथ तुम्हारे बारे में जबान दराजी करें और माल में बुहल करें। ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही नहीं थे तो खुदा ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए और ये खुदा को आसान था। ठीक है, जरा इसको एक्सप्लेन भी करें बेटे, आयत नंबर 19 को। वो इसलिए कि वो मुसलमानों से नफरत करते थे, क्योंकि वो मुसलमानों से इसलिए नफरत करते थे, वो कहते थे कि ये खुदा खुद उनको खुदा पे पूरा यकीन नहीं होता था, लेकिन मुसलमानों को होता था, उनसे नफरत करते थे। लेकिन जब उन पे कोई मुसीबत आती थी, उनको डर लगता था, तो वो उन्हीं से मदद मांगते थे और उन्हीं को ही देखते थे जब उनको मदद की जरूरत होती थी। लेकिन जब मुसीबत टल जाती थी, फिर वो उन्हीं उन्हीं ही के बारे में गलत बातें करते थे, उन्हीं को बुरा भला कहते थे और उनको माल भी नहीं देते थे। बुखल का क्या मतलब होता है? बुखल का मतलब क्या होता है? बुखल उनके बारे में बुग़्ज़ रखते थे, बुरा सोचते थे। का मतलब होता है तंगी होना, दिल में तंगी होना। जैसे आप यहाँ पर जिहाद की मिसाल ले लें, अब उस जमाने में बकायदा कोई फौजी निजाम नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बकायदा कोई फौज नहीं थी। सहाबाए कराम खुद अपने आप को ट्रेन करते थे उस जमाने में, तीर अंदाजी से, तलवारबाजी से, और उस खुद से अपने एफर्ट से ही वो ट्रेन हो जाते थे। फिर जिन जो बहुत एक्सपर्ट होते थे जिस एतबार से, उनको वही काम सौंप देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकायदा कोई फौज का महकमा कायम नहीं था, बाकायदा उनको कोई तनख्वाहें नहीं मिला करती थी, बल्कि ये सूरत हाल थी कि मुसलमानों को ये अनाउंस किया जाता था कि अगर हमने किसी जगह जंग करने के लिए जाना है तो जो तुम्हारे पास माल है तुम वो अल्लाह के रसूल के सामने पेश कर दो। तो लोग अपनी चीजें खुद लेकर आते थे, अपनी चीजें खुद प्रोवाइड करते थे उस जमाने में। तो जाहिर है जब मुसलमान लड़ाई के लिए निकलते थे उनका माल भी खर्च होता था और वो अपनी जान भी पेश करने के लिए हाजिर होते थे, लेकिन चूंकि ये मुनाफिकीन थे, ये लोगों को भी रोक रहे थे, इनके दिलों में इस्लाम दाखिल ही नहीं हुआ था, तो उनको माल, जरा सा भी माल खर्च करना इस रास्ते में बहुत बोझ और बहुत बार लगता था, और वो ना अपना माल खर्च करना चाहते थे और ना वो अपनी जान से कोई खिदमत पेश करना चाहते थे। लेकिन जब उनके अपने सर पर मुसीबत आती थी तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसे देखते थे जैसे किसी को मौत की गशी आ रही हो, जैसे बहुत बड़ी कोई मुसीबत आ गई है। और जब खौफ का वक्त निकल जाता था तो यही जबाने चलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी और मुसलमानों के बारे में भी और दीन इस्लाम के बारे में भी बहुत ज्यादा जबान चलाते, माल में भी बुखल करते थे, जबान भी चलाते थे, और अपनी जान से भी कोई खिदमत करना नहीं चाहते थे। ये उनके रवैये, उनकी नियतों का हाल यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं ये लोग हकीकत में ईमान लाए नहीं थे, नहीं ईमान तो इनके दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ था, ये मुतमईन ही नहीं थे इस बात पर। हालत मजबूरी इन्होंने अपने आप को कलमा पढ़ के मुसलमान जाहिर किया हुआ था, असल में ये मुसलमान नहीं थे। अल्लाह ने इनके सारे अमाल बर्बाद कर दिए। कौन से अमाल? अगर ये मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ रहे थे मुसलमानों के साथ तो अल्लाह ताला ने उनकी उन नमाजों को कबूल नहीं किया उनके निफाक की वजह से, उनके दिलों के बुखल की वजह से, उनके दिलों की तंगी की वजह से। और सारी जितनी भी वो बाजाहिर लोगों के सामने नेकियां कर रहे थे, लेकिन वो सब की सब नेकियां उनकी रायगां चली गई, बेकार चली गई, और अल्लाह को ये आसान था। फातिमा आयत नंबर 20 भी पढ़िए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گواروں میں جا رہے اور تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کریں مگر کم. ठीक है, यहाँ पर गवारों से मुराद ना बद्दू अराबी लोग हैं। एक था मक्का और मदीना जो मेन सिटीज थे, मरकजी शहर थे वो उस जमाने में, टाउनशिप कह लीजिए या एक निस्बतन एक डेवलप एरिया कह लीजिए।
और उनके इर्द गिर्द जो मज़ाफ़ाती इलाके थे, मक्का और मदीना के इर्द गिर्द जो छोटे मज़ाफ़ाती इलाके थे, वो ऐसे थे जैसे आप समझ लें कि लाहौर एक मेन सिटी है, मरकजी शहर है, और आप थोड़ा सा और कस्बों में चले जाएं या देहातों में चले जाएं तो जो वहां पर देहाती लोग हैं, तो वहां के अरब के जो देहाती लोग थे उनको यहाँ पर अल्लाह ताला ने आराबी या बद्दू कहा है। वो लोग जरा खानाबदोश टाइप थे। तो ये मुनाफिकीन की यहाँ पर एक और सिफ्त बयान हो रही है कि खौफ के सबब वो ख्याल करते हैं कि फौजें नहीं, यानी फौजें तो पलट के जा चुकी थी, लेकिन खौफ उनके दिलों में इतना ज्यादा था कि वो ये समझते थे अभी फौजें वापस नहीं हुई, और उनकी आरजू होती थी कि हम मदीना शहर से निकल के उसके मज़ाफ़ात के इलाकों की तरफ निकल जाएं ताकि वहां तक लश्करों की रसाई ना हो और हम बच जाएं, हमारी जान बच जाए। और फिर आपस में एक दूसरे से खबरें भी लिया करते थे कि अच्छा क्या हुआ, अब क्या हुआ। ये उनकी यहाँ पर सिर्फ बयान हो रही है कि सिर्फ खबरें लेने की हद तक, काम करने की हद तक नहीं, या हिस्सा लेने की, जंग में हिस्सा लेने की एतबार से नहीं, बस वैसे ही एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने के लिए। और अगर दरमियान में हो तो लड़ाई भी ना करें, और करनी पड़ जाए तो बहुत कम, बड़े बेदिले हाल, बड़े बादल नाखास्ता। ये इनकी सिफात हैं मुनाफिकीन की, जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान करवाई है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लिखवाना चाहती हूँ, डिक्टेट करवाऊंगी, वो जरा आप लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चंस। रेडी हैं आप लोग? जी बेटे, मुझे बताइए ताकि मैं शुरू करूं। पेंसिल कॉपी है आप सबके पास? बेटे यस और नो में आंसर करें मुझे। मिस है जी यूनुस आपके जी पास है? ठीक है, लिखें बेटा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना, ये उसमें आएंगे आपके पेपर में भी आ सकते हैं और वैसे टेस्ट में भी आएंगे। जी पहला क्वेश्चन है वो लिखिएगा। अहले ईमान की जंग के वक्त क्या कैफियत थी? ये आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, ये मैं अलग से लिखवा रही हूँ। अहले ईमान की जंग के वक्त क्या कैफियत थी? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। मुनाफिकीन का रवैया मैदान जंग में मुसलमानों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा था? मुनाफिकीन का रवैया मैदाने जंग में मुसलमानों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा था? लिख लिया बेटे? अगला क्वेश्चन लिखिए। अल्लाह ताला के काम में रुकावट डालने वाले कौन अल्लाह ताला के काम में रुकावट डालने वाले यानी मुअव्विकीन अपने भाइयों से क्या कहते थे? अगला सवाल लिखिए। जंग का खतरा टल जाने के बाद या जंग खत्म होने के बाद मुनाफिकीन ने अपने आप को कैसे जाहिर किया? फिर मुझे यस और नो में आंसर करें अगर आपने ये सब क्वेश्चंस लिख लिए हैं। आखिरी वाला सवाल दोबारा बोलते जंग का खतरा टल जाने के बाद
या जंग खत्म होने के बाद मुनाफिकीन ने अपने आप को कैसे जाहिर किया? ये चारों सवाल लिख लिए आप लोगों ने? जी बेटे बताएं ना मुझे। लिख लिए। अच्छा चलिए यूनुस आपसे ही पूछते हैं, फातिमा आपसे भी पूछती हूँ मैं। यूनुस पहला सवाल पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए, अपने ओन वर्ड्स में बताने। अहले ईमान की जंग के वक्त क्या क्या किए अपने उन यही वर्ड्स थी में। कि वो क्या कहते हैं इस जंग में शहीद होने के लिए तैयार थे। और क्या उनको खौफ नहीं था जंग का? वो इंसान तो वो भी थे ना बेटे, बताएं यूनुस। उनको खौफ था लेकिन उनको अल्लाह ताला पर भरोसा था। वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया आपने। उनको खौफ था क्योंकि खौफ तो हर इंसान की फितरत में है, फितरी बात है, किसी भी चीज का खौफ हो सकता है आदमी को, लेकिन उसके बावजूद उनका अल्लाह और रसूल पर पूरा ईमान, यकीन और भरोसा था। बहुत अच्छा आंसर किया आपने। सेकंड क्वेश्चन फातिमा आप पढ़िए बेटा। मुनाफिकीन का रवैया मैदान जंग में मुसलमानों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा था? जी बताइए। मुनाफिकीन मैदान जंग में कह रहे थे कि ये कैसे के अल्लाह ताला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ धोखा किया है कि ठीक हमारे है, ऊपर इतनी मुसीबतें डाल दी हैं, और वो उनका बिल्कुल भी यकीन नहीं था। ठीक है बेटे, आगे कंटिन्यू करें। जी फातिमा। मुनाफिकीन ठीक है, सही बता रही हैं। मुसलमानों के बारे में कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने उस वक्त उन पर सख्त सख्त अजाब सख्त मुसीबत डाली थी, लेकिन मुनाफिकीन जो थे वो वो उस मुसीबत को अपने लिए वबाल समझ रहे थे ना, वो समझ रहे थे कि ये बस मौत के मुंह में जाने के अलावा और कोई मकसद नहीं है इस जंग का, और वो जान छुड़ाकर फरार हासिल करना चाहते थे, वो भागना चाहते थे, वो वापस अपने घरों को जाना चाहते थे। ठीक है दानियल, आप बेटे क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपना माइक अनम्यूट? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, माइक तो आपका शो हो रहा है यहाँ। क्या कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख दें बेटा, मैसेज कर दें। अच्छा चलिए यूनुस अगला सवाल पढ़ें बेटा। यूनुस क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें बेटा। अल्लाह के काम में रुकावट डालने वाले यानी मुआविकीन अपने भाइयों से क्या कहते थे? पता हाँ जी, क्या कहते हैं नहीं। आप? अभी पढ़ा है ना रुकावट डालने वालों के बारे में, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है हमने। वो कह रहे थे कि जंग के ना जंग यानी कि यहाँ पे तो मौत ही है, तुम लोग हमारे साथ आओ और तुम लोग बच भी जाओगे और तुम लोगों को दुनियावी फायदा होगा। ठीक है, ठीक आंसर दिया, गलत नहीं है। फातिमा लास्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। जंग का खतरा टल जाने के बाद मुनाफिकीन ने अपने आप को कैसे जाहिर किया? कैसे जाहिर किया बताइए। जब जंग का खतरा टल गया तो मुनाफिकीन बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर वैसे ही सलूक किया जैसे वो पहले करते थे मुसलमानों के बारे में। उनके बारे में बुग़्ज़ रखा, उनको बुरा भला समझा और उनके बारे में बुरी बुरी बातें की, बदतमीजी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी। ठीक है, उन्होंने अपनी जबान दराजी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई, अपनी बातों से तकलीफ पहुंचाई, ठीक है ना। चलिए ये हमारा यहाँ पर चैप्टर मुकम्मल होता है। यूनुस आप ना बेटे, आपको मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप पिछली भी क्लासेस नहीं अटेंड कर की हैं आपने रेगुलरली,
लेकिन अब आप अपनी ना कोई क्लास मिस ना करें, कम से कम आपका ये चैप्टर जो है ना आप इससे गो थ्रू हो जाएंगे बेटे। ये अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर है, ये आयतें आपको सिर्फ पढ़ने से समझ नहीं आएंगी, इसलिए जरूरी है कि आप इन क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें। समझ रहे हैं बात? ठीक ठीक है, थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।